शगना दिशा अखिया विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल, तेरे नाल वे तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खाते सारा। Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप सभी को मैं बहुत दिन से अपनी कुछ ज्वेलरी दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पाता था कि मैं आप सभी से दिखाऊँ, शेयर करूँ। एंड बहुत मैं बिजी थी और हमारा बहुत बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाती थी। आप लोग देखे होंगे इतने सारे शादी पार्टी सारा कुछ अटेंड किया, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी टाइम मिला है और आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा, मैं अपने हाथों पे लेके खड़ी हूँ। सब कुछ है इसमें, गले का सेट है, इयररिंग है, मंगलसूत्र है और टीका वगैरह नथिया है, सब कुछ। तो आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ एंड काफ़ी मज़ा आएगा आज का ब्लॉग देखने में, मुझे पता है, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सभी को चलिए इसका डिज़ाइन कुछ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरी देवर की सगाई है और टीका को लेके कुछ लोगों ने बहुत सारा कुछ कमेंट किया था कि ऐसे होना चाहिए, मनीषा का ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कमेंट मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे ऐसे कमेंट जब आता है ना, तो दिमाग ऐसे ही ख़राब होने लगता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट बिल्कुल निगेटिव मत करो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। और आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ जो कि कुछ ज्वेलरी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा कि डिज़ाइन कैसा है। मिस्टर राज तो अभी प्लॉट पे गए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जीरी है। तो चलिए रूम के अंदर आराम से बैठते हैं और आप सभी से दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आ गई हूँ मैं रूम में और सबसे पहले अब मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ वीडियो। वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ सबसे पहले इयररिंग, और आप लोग देख सकते हो ये है इयररिंग और कितना ज़्यादा खूबसूरत सा है इसका डिज़ाइनिंग। आप लोग एक बार नज़दीक से देखना, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनिंग है। और हमारे टाइम में ये जो चलता था ना ताना, जैसे हम अभी अपने इयररिंग ऐसे पहन के फिर इसको पूरा ऊपर से ऐसे कर लेंगे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये है इयररिंग और ऐसा डिज़ाइन कितने लोगों को पसंद है, क्योंकि बहुत सारा डिज़ाइनिंग गोल्ड ज्वेलरी में, तो आप सभी को पता है बहुत सारा डिज़ाइनिंग आता है, लेकिन इस टाइप का ये थोड़ा यूनिक लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो जिन लोगों को लेना है आप लोग ले लीजिएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मतलब डिज़ाइन, जिनकी शादी है वो लोग डिज़ाइन वगैरह इसमें से ले सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा सा है। और इसमें ये जो लटकन है ना, इसकी वजह से और भी सुंदर लग रहा है। तो अभी तो मैं सोच रही थी कि भाई इंगेजमेंट भी है और इंगेजमेंट में मैं क्या पहनूंगी, और बहुत सारा शादी है मेरे घर में, तो मायके में भी शादी पड़ गई है मेरी मासी की बेटी का, तो हमारी सिस्टर है हमसे बड़ी है, तो उसकी शादी अब हो रही है, तो उसकी शादी में हमें जाना है। तो मैं सोच रही थी कि यार हर एक एक रस्म में पहनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, वैसे भी बहुत सारे स्टोन वाले भी हैं, लेकिन इस टाइप का पहनने का भाई साहब जो मज़ा है ना, और कहीं नहीं। तो इस टाइप का भी हम पहन सकते हैं। तो ये हमारा रहा इयररिंग। अब मैं आप सभी को नेकलेस दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, और आप लोग इसे एक बार ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो डिज़ाइनिंग है ना भाई, बहुत अल्टीमेट है। इसे एक बार दिखाओ ध्यान, अभी राशिद वीडियो शूट कर रहा है और देख सकते हो उसका डिज़ाइन देखो, ये बिल्कुल चोपर टाइप का। अगर हम इसे अपने गले में ऐसे पहनते हैं ना, तो काफ़ी सुंदर लुक आएगा। अगर हम साड़ी वगैरह पे या फिर सिल्क साड़ी पे हम पहन के पूरा एकदम अच्छे से जूड़ा वगैरह बनाएंगे, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। और इसमें का आप लोग देखे होंगे, मैंने एक बार शादी जब हुई थी, मैंने एक बार छठ पूजा में मम्मी जी का मैं पहनी थी, तो थोड़ा सा वैसा ही ये डिज़ाइन लग रहा है और बहुत ही प्यारा है। पूरा गले को कवर कर लेगा, पकड़ लेगा, ज़्यादा हैवी नहीं है, सुंदर है। देखने में लग रहा है कि इतना ज़्यादा हैवी है, लेकिन बिल्कुल हैवी नहीं है। और आप इसे अपने गले के हिसाब से यहाँ पे फिटिंग करने के लिए भी दिया है, तो हम फिटिंग कर सकते हैं। मेरे गले में तो बहुत ये चीज़ जो है ना, उसको यहाँ रखेंगे तब जाके फिट होंगे, क्योंकि मेरा गला बस इतना ही तक का है। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना गाइस, ये
जो हार है, वैसे तो हार बहुत अलग अलग तरह के आता है, लेकिन सिंपल सोबर दिखा रही हूँ मैं। अब दिखाती हूँ मैं आप सभी से नथिया, जो कि बहुत प्यारा है। और ये नथिया का डिज़ाइन मुझे रियली बहुत अच्छा लगा था। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। यहाँ से करके दिखाते हैं इसका डिज़ाइन। इसका ये लटकन भी बहुत सुंदर लग रहा है, और देख सकते हो मतलब पहनने के बाद ना काफ़ी सुंदर लगेगा। एक बार मैं वेयर करके भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। भगवान, ये तो लग नहीं रहा है। ऐसे हम पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, फंस नहीं रहा है अभी। लेकिन जब भी शादी वादी होता है ना, तो ऐसे नथिया वगैरह जो होता है पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो मैं सोची थी भाई शादी में इतना सारा सब कुछ अटेंड करना है तो बहुत प्यारा लगने वाला है। और अभी तो मैं ये सारा कुछ वेयर करूँगी तो और भी सुंदर लगेगा। तो मैं सब कुछ वेयर करके भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग को एग्जैक्ट पता लगेगा। और ये जो है ना, ये बोलने में ज़्यादा मतलब नथिया एक होता है ना कि जब कुछ खाओ होता है तो उठाना पड़ता है, ये बहुत अच्छा है। इस साइज का भी लेना होगा आप सभी को, तो आप लोग ले सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। और आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो नेक्स्ट है वो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ, वो ये है, जो कि आपको इसी पे ही दिखा देती हूँ। रेड कलर का मेरे पास कुशन था, लेकिन मैंने आज धो दिया है इसको। बहुत सारा कपड़ा आज मैं धोई हूँ, बहुत सारा काम भी किया मैंने। तो ये है मंगलसूत्र, जो कि आजकल इसमें का बहुत चला है, और हम इसे मंगलसूत्र ही बोलेंगे, हार नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये नया डिज़ाइन में चला है स्टाइलिश। और इसका ये जो पट्टी है ना वो चौड़ा है तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसका ये जो लॉकेट है ना भाई साहब, बहुत ख़तरनाक लग रहा है। एक बार आप लोग नज़दीक से देख सकते हो। एंड इसका पूरा डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा लॉन्ग भी है, मतलब अगर हम हार पहनते हैं ना तो ये यहाँ तक आएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है। वैसे इसमें बहुत तरह के आते हैं, मोती वाला भी। तो अगर आप सभी को ब्लैक मोती वाला चाहिए ये वाला पट्टी, तो उसमें का भी मैं रखी हूँ, आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड आप सभी को अब दिखाती हूँ लास्ट जो है वो है कंगन। और ये है कंगन, जो कि इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। और ये दोनों हाथों के लिए, आप अपने साइज के हाथ के साइज के हिसाब से इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो मुझे तो ये सारा ज्वेलरी बहुत अच्छा लगा, और देख सकते हो कैसे पूरा फैला हुआ है। तो अगर आप सभी को कोई भी अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसमें से सबसे अच्छा डिज़ाइन किसका है, आप लोग ये बताइएगा। एंड अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी हैं, अभी इंगेजमेंट है तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। एंड मेरे मौसी के घर शादी है, तो अब भी वहाँ भी मैं नहीं सोची हूँ कि क्या पहनने वाली हूँ। वैसे तो मैं गई थी सूरत, सूरत से कुछ कुछ साड़ी लेके आई हूँ, जो कि सिल्क का है और भी है। मम्मी जी के लिए भी साड़ी लेके आई थी वहाँ से। मिस्टर आज बोले कि ये उनको एक साड़ी जो था वो बहुत सुंदर था, तो ये बोले कि ले लो मम्मी के लिए, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया है। वो आप सभी को दिखाऊँगे, ठीक है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप सभी को साड़ी देखना होगा कि हम लोगों ने मम्मी जी के लिए कौन सा साड़ी लिया था, आप जरूर बताइएगा हम कमेंट करके, मैं वो भी साड़ी दिखाऊंगी। और अपने लिए कौन कौन सा लिया है, और बहुत सारा शॉपिंग वहाँ से हुआ है, क्योंकि जो घर बन रहा है ना हमारा, तो वो पता नहीं कब तक बनेगा, लेकिन आप लोग प्रे करो कि जल्दी बन जाए। एंड जैसे बन जाएगा ना, तो हम लोग वहाँ, जब भी आप लोगों को पता है जब नया घर बनता है तो उसका घर भोज होता है, और उसके लिए भी हमने वहाँ से साड़ी वगैरह ले लिया है। तो धीरे धीरे सब करके एक एक करके तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले भी हमें कहीं जाना है शादी में, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। तो क्या क्या मैंने लिया है, बहुत सारा साड़ी, किस टाइप के ली हूँ मैं, किस टाइप के पहनने वाली हूँ, आप सभी को अगर देखना है तो मैं वो तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। लेकिन अभी तक मिस्टर आज से कपड़ा बिल्कुल नहीं खरीदाया है, तो उनका भी कपड़ा कुछ दिखाऊँगी। और बस रहने देती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी देख सकते हो मैंने वियर कर लिया है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी तो मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं की हूँ, जस्ट मैं काम वाम कर रही थी, तो इसलिए मैंने मेकअप वकअप किया नहीं है, मॉर्निंग का ही किया था। और इयररिंग वगैरह पहनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, सोचो अगर हम रेडी होते हैं तो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा साड़ी वगैरह पहनेंगे तो। और ये तो टीका मैं दिखाई नहीं हूँ, लेकिन टीका के बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है।
एंड अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट बहुत सारा शेयर करना, बस इतना ही बोलूँगी। एंड कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताना। और ये जो टीका है ना, इसके बारे में मैंने बताया नहीं है, तो इसको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि ये मैंने कहाँ से लिया है और कैसा लगेगा ये, मैं किस टाइम पहनूँ, आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा। शादी में पहनूँ या फिर इंगेजमेंट में पहनूँ या फिर अभी और भी शादी में जाना है वहाँ पहनूँ, ये सब कुछ बताइएगा आप लोग। और क्या बोलूँगी, बस रहने तो इस ब्लॉग को यहीं तक। एंड हाँ गाइज, लास्ट में मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो जितनी भी सारी मैंने ज्वेलरी पहनी है ना, ये रियल गोल्ड नहीं है, नहीं तो आप लोग ये समझ लेना कि मैं रियल गोल्ड दिखा रही हूँ। ये जो है, ये मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, इसलिए ये जो ज्वेलरी है ना, ये है 1 ग्राम गोल्ड, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पर बता दूँगी कि मुझे किस पेज से आया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे देखिएगा। और कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करना, एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर कीजिएगा। और जाते जाते हमारे इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीषा सचिन, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जाइए जल्दी जल्दी फॉलो करिए एंड खूब सारा मस्ती कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अब ऐसे ही फोटो खींचना।